हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। हाय, हम डॉक्टर जोगिंदर यादव। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल है, उसके अंदर हम जो स्कैबीज का ट्रीटमेंट होता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो स्कैबीज होती है, जो डॉग के शरीर छोटे छोटे रेड रेड से रैसेज हो जाते हैं, उसके लिए क्या, जैसे इस वीडियो में स्क्रीन पे वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह के अगर आपके शरीर, तो उसके लिए आप घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हो। होम रेमेडी क्या हो सकती है, कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो शायद आपका ट्रीटमेंट गलत भी हो सकता है और आपको रिजल्ट भी ना मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराते हो, क्योंकि अगर ब्लड टेस्ट कराते हो तो जाहिर सी बात है सारी बीमारी क्लियर हो जाती है, लेकिन नहीं कराते हो, आप सिम्टम पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही आपको डॉग को हुआ है तो आप घर पर ही ठीक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके नॉन में कोई वेटनरी हो तो उसे कंसल्ट जरूर कर ले। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को देखिए आप, जैसे ये फीमेल है, इसके शरीर पर रेड रेड रैशेज हो रहे हैं। तो इसके लिए आप शुरुआत करता हूँ छोटे ट्रीटमेंट से। कभी भी अगर आप किसी डॉग को देखे तो डायरेक्ट उसको हाई डोज ना दे, लोअर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको टैबलेट देनी हो तो अमोक्सी की टैबलेट होती है, अमोक्सी पोटासियम क्लाउनेट। अगर अडल्ट डॉग है, अगर उसका बॉडी वेट 30-40-50 केजी है, तो उसके लिए आप उसको 625 एमजी दे सकते हो सुबह शाम एक एक टैबलेट। अगर आपका डॉग उससे कम वेट का है तो उसको आप 325 दे सकते हो, 375 भी आती है, आप वो दीजिए उसको। उसके बाद बात करते हैं हम इंजेक्शन के बारे में। अब आते हैं हम इंजेक्शन पे। इंजेक्शन के लिए उसको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर हाई टेक नियोमैक काफ़ी नियो डोरामेक्टिन, इसमें कई साल्ट के होते हैं। तो ये इंजेक्शन आप उसको, ये होता है 30 kg/1 ml, ठीक है। तो आप अपने डोज को ये सब कट इंजेक्शन देना है आपको, डॉग को खाल उठानी और उसके अंदर इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद एनी हिस्टा का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी, कोई भी किसी तरह की इचिंग और रैसेज हो, बिना एनी हिस्टा के कोई भी इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ये बात बिल्कुल कॉमन है, आपको एनी हिस्टा उसको हर हाल में देना है। 2 ml इंजेक्शन अगर पप्पी है तो 1 ml, अडल्ट डॉग है तो उसको 2 ml इंट्रामस्कुलर, ये आप उसको IM लगाना, उसके जो पाँव होते हैं उसके ऊपर लगाना है। और उसके बाद बात आती है, हमने आपको टैबलेट बताया, उसके बाद इंजेक्शन अब आते हैं लोशन के ऊपर। कि स्किन का लोशन होता है जिसमें क्लोट्रोमाजोल होता है, तो आप उसको वो उसको डॉग को जैसे नहलाते हो, उसके बाद उसको एक कपड़े से पूछिए और उसके बाद उसको लगा के थोड़ी देर धूप में छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसको लोशन अप्लाई करके खेलने दीजिए, मिट्टी मत लगने देना, ठीक है। तो हमारी वीडियो यही थी कि उसको लोशन के लिए पहले उसको टैबलेट से स्टार्ट करो, फिर इंजेक्शन, फिर लोशन लगाओ, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे होम रेमेडी और अपडेट के लिए हम आपके साथ आते रहेंगे।